नमस्कार दोस्तों, सीडी मेकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे कि सेकंड प्रति सेकंड से आप किलोमीटर की चाल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन से आप निकालना सीखेंगे। जैसे कि आपके पास कोई रेलगाड़ी है या कोई कार है या कोई बस है या कोई बाइक है, तो उसकी आपको निकालना है कि 360 किलोमीटर की, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं डायरेक्ट, एक रेलगाड़ी की चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यानी कि आपको उसकी चाल है जो 360 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके सवाल के लिए आपको दो संख्याएं दी रहती हैं, 5/18 और 18/5। ये आपको देखनी कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें से आपको कौन सी छोटी है, कौन सी आपको बड़ी है। तो ये भाग आप लगाएंगे, जैसे कि आप 3 से भाग 8 में 5 से भाग लगाएंगे 18 में, तो भाग चले जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ए भाग आपका चला गया, तो ए संख्या होगी आपकी छोटी। और जिसमें जैसे कि 18 से 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ए संख्या होगी आपको बड़ी। तो अगर आपका मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बड़ा है, तो आप लगाएंगे जे वाली संख्या। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड आपको निकालना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, संख्या क्या है आपकी, 360 क्या है, 360 का किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है, तो आप लगाएंगे जी वाली छोटी वाली, तो 18/5, सॉरी आप जी नहीं लगाएं, कि मैंने बताया था ना कि अभी कि ए अगर बड़ी है तो जी बड़ी है, तो यहाँ पे आप जी नहीं लगा के 360 × 5/18 लगाएं। ठीक है, यही कन्फ्यूज़न आपको दूर करनी है। अगर ये कन्फ्यूज़न आपकी रहेगी तो आप इस प्रकार सवाल कर पाएंगे। तो इसमें दिया गया, तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 18 से काटेंगे जब आप 360 को, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, तो कितनी बार कट गया, 20 बार, 20 का गुणा 5 में कर देंगे, तो 20 पंच होता है आपको 100, तो 100 आपका निकल के राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से अब निकालना लिखेंगे, अभी आपने जीवाला लगाया था, अब आपको इस क्वेश्चन में जीवाला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक बुलेट ट्रेन है जिसकी चाल बहुत अधिक होती है, एक बुलेट ट्रेन की चाल 100 मीटर से प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। इसमें आपको किलोमीटर प्रति घंटा बताने है, तो इसमें जब देखें कि 100 मीटर प्रति घंटे से छोटी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है सिंपल तरीके से 100 इनटू का लगाना है चिन्ह, इसमें लगानी है आपको 18/5, क्योंकि जी एस की छोटी है, तो 18/5। ठीक है, अब आपको 5 से 100 काट देना है, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब आपको क्या बचा, 20 बचा और 18 बचा, तो 20 × 18 आप कर देंगे, तो आपका 360 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इन दोनों संख्याओं को लेके चलना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से बड़ी है तो आप छोटी है इस संख्या से, तो आपको लगाना है जे वाली, अगर इससे बड़ी है तो लगाना है 18/5। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और आप इस क्वेश्चन की संख्या बदल के आप अपने अनुसार सवाल को चेंज करके लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप राइट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका एक चैप्टर भी होता है मैथ में, रेलगाड़ी संबंधी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।